हर साल सुहागिने पति की लंबी उम्र के लिए ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियां अपने सुहाग के उत्तम स्वास्थ्य और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। वट सावित्री का व्रत करवा चौथ जितना फलदायी ही माना गया है। विवाहित महिलाओं के लिए वट सावित्री का व्रत त्योहार के समान महत्व रखता है। इस व्रत को नारी शक्ति का प्रतीक भी माना गया है। भारत के कुछ राज्यों में वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भी रखा जाता है। आइए जानते हैं इस साल वट सावित्री का व्रत कब है और उसकी पूजा का मुहूर्त और महत्व क्या है। वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा का खास महत्व है। यह व्रत स्त्रियों के लिए सौभाग्यवर्धक, पापहारक और धन धान सुख संपन्नता प्रदान करने वाला होता है। मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में इस दिन व्रत रखने की परंपरा है। वहीं 3 जून 2023 को ज्येष्ठ पूर्णिमा पर वट सावित्री व्रत भी किया जाएगा। गुजरात और महाराष्ट्र में वट पूर्णिमा पर यह व्रत रखा जाता है। वट सावित्री व्रत 2023 अमावस्या मुहूर्त। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि 18 मई 2023 को रात 9:42 पर शुरू होगी और इसका समापन 19 मई 2023 को रात 9:22 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार ये व्रत 19 मई को रखा जाएगा। पूजा मुहूर्त सुबह 7:19 से 10:42 19 मई 2023 तक। वट सावित्री व्रत 2023 पूर्णिमा मुहूर्त। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि 3 जून 2023 को सुबह 11:16 पर आरंभ होगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 4 जून 2023 को सुबह 9:11 पर होगी। पूजा मुहूर्त सुबह 7:16 से सुबह 8:59 तक। वट सावित्री व्रत का महत्व। पुराणों के अनुसार वट सावित्री व्रत रखने से पति पर आए संकट चले जाते हैं और आयु लंबी हो जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस व्रत के प्रभाव और देवी सावित्री के पति धर्म को देखकर मृत्यु के देवता यमराज ने सावित्री के पति सत्यवान को पुनः जीवन दान दिया था। मान्यता है कि वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी चल रही हो तो भी इस व्रत के प्रताप से वह दूर हो जाती है। इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा की जाती है। माना गया है कि इसमें त्रिदेव का वास है और इसकी शाखाएं देवी सावित्री के रूप में मानी गई हैं। मान्यता के आधार पर स्त्रियां अचल सुहाग की प्राप्ति के लिए इस दिन बरगद के वृक्षों की पूजा करती हैं। भगवान त्रिदेव आप सभी का कल्याण करें, ऐसी हमारी कामना है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको किसी विषय पर वीडियो बनवाना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर लिखें।